हमने ugao.com के सीड्स ग्रो करके देख लिए, प्लांट्समैन के सीड्स लगा लिए और भी कई सारे सेलर से सीड मंगाए और सबके सीड हमने ग्रो किए। इस वीडियो में हम बायोकार्ब के सीड्स ऑर्डर करेंगे और सीड्स के अपडेट भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो अभी हम बायोकार्ब के वेबसाइट पर चलते हैं और वहीं से कुछ सीड्स सेलेक्ट करेंगे और उन्हें ऑर्डर करेंगे। www.biocarb.com करके इनका वेबसाइट है, तो बस आपको इतना सर्च करना है और आप सीधे इनके वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल लेआउट के साथ इनका वेबसाइट आप यहां पर देख सकते हैं। बायोकार्ब सीड्स ऊपर लिखा हुआ है और यहां पर आप ऊपर में अगर देखो तो वहाँ पर सर्च बॉक्स बना हुआ है। तो अगर आपको कोई ख़ास बीज ख़रीदने हैं तो आप ऊपर में सर्च करके चेक कर सकते हो कि इनके यहाँ बीज अवेलेबल हैं या नहीं हैं। इसके अलावा नीचे में आपको कुछ यहाँ पर सीड्स या फिर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जिसका अभी सीज़न चल रहा होता है, वहीं बीज यहाँ पर फीचर ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको सभी सीड्स देखने हैं कि कौन कौन से सीड्स अवेलेबल हैं इनके यहाँ, तो आपको यहाँ पर बाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप अपने सीज़न वाइज बीजों को चुन सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर वाले मेन्यू से भी अपने सीड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके वेबसाइट में आप सीड्स को तीन तरह से अलग कर सकते हो, पहला नॉर्मल पैकेट, दूसरा हाइब्रिड और तीसरा प्रोफेशनल पैकेट। तो हाइब्रिड और प्रोफेशनल पैक ज़्यादातर नर्सरी वाले लेते हैं या फिर जिन्हें प्लांट सेल करना होता है। हमारे अपने बागीचे के लिए नॉर्मल पैकेट सही होता है, दाम भी सही होता है और सीड की क्वांटिटी भी अच्छी होती है। जो नॉर्मल फूलों वाले बीज होते हैं ये आपको 40 रुपए के मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको 50 से लेकर 200 सीड्स आसानी से मिल जाते हैं। वहीं सब्जियों की बात करें तो सब्जी वाले बीज आपको 30 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में आसानी से मिल जाएंगे। हमने कुछ बीज मंगाए थे और कुरियर से आज हमारे बीज हम तक पहुंच गए हैं। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इनके यहाँ कैश ऑन डिलीवरी मौजूद है, तो आप इंडिया में कहीं भी इनके बीज मंगा सकते हैं, आसानी से इनके बीज ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो बीज मंगाए हैं इनमें ज़्यादातर गर्मियों वाले बीज मौजूद हैं, कुछ गर्मियों के फूल हैं, कुछ सब्जियाँ हैं और कुछ यहाँ पर पेड़ों के बीज भी हैं। फूलों वाले बीज मेरे पास जो भी हैं ये 40 रुपये मुझे पड़े, जो सब्जियों के बीज मैंने मंगाए हैं ये 30 रुपये के पड़े और एक पैकेट मोरिंगा ट्री के सीड हैं जो कि 30 रुपये के पड़े। इसके अलावा 65 रुपये मैंने यहाँ पर डिलीवरी चार्ज के भी दिए हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे सीड्स अपने यहाँ मंगा सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मेरीगोल्ड के कुछ सीड्स मंगाए हैं, यहाँ पर कॉक्सकॉम के सीड्स हैं, इसके अलावा कॉलियस के सीड हैं और भी कई सारे सीड हैं जो कि मैंने मंगाए हैं। अगर सीड्स की क्वालिटी की बात करें तो इनके सीड्स मैं काफ़ी टाइम से मंगा रहा हूं और सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ऑनलाइन सीड्स ये ख़रीदना चालू किया था तो सबसे पहली बार मैंने बायोकार्ब के ही सीड्स ऑनलाइन ख़रीदे थे। उसके बाद से ही मैंने ऑनलाइन सीड्स ख़रीदना चालू किया, तब से मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है इनके साथ। और तो और एक और अच्छी बात है कि जब से मैं इनसे सीड ले रहा हूँ, करीबन 4 साल हो गए हैं आज, तब से इनके जो सीड का दाम है ये लगभग सेम है, प्राइस में अधिक फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं जो कि इनके यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप इनके यहाँ बार बार सीड्स ख़रीदते हो तो जो सीड आप ख़रीदते हो पहले उनके यहाँ पर लॉयलिटी पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, तो बाद में अगर आप फिर से इनसे सीड लेने जाओगे तो उस पॉइंट को आप इस्तेमाल करके कुछ डिस्काउंट ले सकते हो। इसके अलावा इनके यहाँ अलग अलग ओकेजन जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, दिवाली या फिर वसंत पंचमी में कई सारे सेल चलते हैं, जिसके अंदर ये 10%, 20% और 30% कई सारे यहाँ पर डिस्काउंट के ऑप्शन देते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे भी डिस्काउंट ले सकते हो।
मैंने मंगाए थे उनमें से मैंने कुछ सीड्स ग्रो किए और उन सब का अपडेट मैंने आपके सामने रखा। मेरा इनके सीड के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इस बार भी काफ़ी अच्छे से सीड ग्रो हुए और अच्छे क्वालिटी के सीड्स आए थे। अब आपको आइडिया हो जाए इसलिए बता दूं कि कंपनी अपने सीड्स के ऊपर 80% का जर्मिनेशन रेट क्लेम करती है, लेकिन मैंने सीड्स ग्रो किए हैं काफ़ी लंबे टाइम से, इनके सीड ग्रो करता आ रहा हूं, मुझे हमेशा से 80-95% के बीच में हमेशा जर्मिनेशन रेट मिलता है। लेकिन कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि कोचिया के सीड हो गए हैं, गजेनिया के सीड हो गए, ये काफ़ी बारीक होते हैं और काफ़ी हल्के भी होते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने भी इन्हें कई बार ग्रो किया है, कई बार मुझसे ये ग्रो हो जाते हैं और कई बार एक भी सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप कंपनी के सीड को ख़राब नहीं बोल सकते हैं, आपको खुद उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्त, अगर मैं फाइनली कहूँ तो इनके सीड अच्छे क्वालिटी के होते हैं और कंपनी भी काफ़ी लंबे समय से सीड प्रोड्यूस कर रही है। इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। तो इनके सीड्स के साथ मेरा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस था। अगर आपने भी इनके सीड पहले खरीदे हो और ग्रो किए हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी उससे हेल्प ले सकें। अब आगे पैसे आपको खर्च करने हैं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो इन सीड्स के बारे में।